हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आज हम लोग उसी के आगे एक टॉपिक शुरू करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी, जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़े थे, किस किस तरह से कौन से टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, कौन से एंजाइम इस्तेमाल करके हम जो है कि बनाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को, और उससे कैसे हेटरोलॉगस एक्सप्रेशन करा के बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स और इन सब में एक्सप्रेस करा के डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से प्योरीफिकेशन सेपरेशन और प्रिजर्वेशन करके न्यू प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं। अब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने हेटरोलॉगस एक्सप्रेशन से जो उसका प्रोडक्ट पाया था, उसका किस किस पर्पज़ के लिए हम कर सकते हैं, तो यही सब सारी बातें इसमें पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन में। तो ये केवल एप्लीकेशन पार्ट है उसका, और जबकि वो वाला था क्या, केवल प्रिंसिपल और प्रोसेस, किस तरह से हम कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल होती है, उन सब के बारे में पढ़ना था। तो ये चैप्टर 12 है, वो चैप्टर 11 था। तो आज हम लोग यही शुरू करते हैं, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी तो पता ही है कि शुरू में हम लोगों ने पढ़ लिया था बढ़िया से कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, क्या होता है ट्रेडिशनल, क्या होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसकी डिफिनीशन क्या है, क्या क्या होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से वेक्टर होते हैं, वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लांट्स के लिए कौन से स्पेसिफिक वेक्टर होते हैं, एनिमल के लिए कौन से स्पेसिफिक वेक्टर होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, किस किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इसमें था कॉम्पिटेंस होस्ट बनाना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड डाइवलेंट कैटायन का ट्रीटमेंट करना, उसके बाद आइस देना, फिर हीट शॉक दे देना, फिर आइस कर देना, तो ये सब टेक्निक्स थी। इसके अलावा फिर क्या था, माइक्रो इंजेक्शन था, बायोलिस्टिक जीन गन था, माइक्रो इंजेक्शन जो न्यूक्लियस में इंसर्ट डायरेक्ट करते थे रिकम्बिनेंट डीएनए को, वो जनरली एनिमल के लिए था। बायोलिस्टिक जीन गन जिसमें माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड रिकम्बिनेंट डीएनए को कर देते थे वो था इस तरह से। उसके बाद डिसआर्म वायरल जो होते हैं या पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था तुम्हारा होस्ट में ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जीन प्रोडक्ट को लेंगे, जो जी रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया हमने, वो जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे तो किस तरह से हम उसका प्रोडक्ट लेंगे। तो उसका प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग किए थे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लेबोरेटरी और लार्ज स्केल पे क्लोज कल्चर कैसे के वर्क करता है, कैसे कंटिन्यूस कल्चर होता है। तो कंटिन्यूस कल्चर जरूरी होता है, यूज करते हैं हम लोग लार्ज बायोमास प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि जिसमें कि ग्रोथ कर्व हम लोग पढ़ा था जे से बात आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसको प्योरीफिकेशन प्रिजर्वेशन करते हैं, और कैसे जीएसी से अप्रूवल जो कमिटी है उससे हम लोग परमिशन लेकर तभी ट्रायल वगैरह करके तभी हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग लेवल पर उसको करते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे कुछ भी। तो इस टॉपिक में देखो, अब ये तो पुरानी वाली हो गई, अब उसके आगे के फर्दर क्या होता है उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें देखो हम लोग तीन चीज़ पहले ही पढ़ लेते हैं, पहले क्या समझ लेते हैं क्या क्या है उसको, फिर उसके बाद इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये तो तुम्हारा जीन प्लाज्मिड था, और ये तुम्हारा था जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको कहेंगे आरडीएनए। ये तुम्हारा हो गया आरडीएनए। अब आरडीएनए जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम कह रहे थे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट किस लिए पर्पस के लिए हो सकता है, तो ये हो सकता है ड्रग के लिए, किसी ड्रग के लिए, या फार्मास्यूटिकल जिसको कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल, या कोई ऐसा जीन हो सकता है ये जो कि क्या काम कर सकते हैं, जीन थेरेपी में मदद करें। फिर क्या हो सकता है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो ये हो सकता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल में एक तुम्हारा हो गया ह्यूमन इंसुलिन जो बनाता है, रिकम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूमुलिन कहते हैं, ह्यूमुलिन कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी हो गया। उसके अलावा हो गया कि जो क्रॉप होते हैं उनको डेवलप करना, क्रॉप ऐसे क्रॉप को डेवलप करना जिसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा ये किस किस पर्पज़ के लिए हो जाए, जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा हो जाए क्या हो जाए कि रेजिस्टेंट शो करें, रेजिस्टेंट वैरायटी बनाए, जैसे किसी रेजिस्टेंट हो गए मान लो किसी पेस्ट से रेजिस्टेंट शो कर रहा है, तो वो वाला जीन अगर डाल दोगे तो क्रॉप कैसा हो जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो जाएगा। उसके अलावा फिर क्या होगा, सॉल्ट टॉलरेंस प्लांट को भी हम डेवलप करते हैं, अगर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा सॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉल्ट टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम रख देंगे तो जो आर डी एन ए में जो आएगा वो ये बनेगा। इसी तरह एंड सो ऑन हम करेंगे।
तो अब हमको ये पूरा हम लोगों ने ये जाना कि फाइनली जो रिकमेंडेड डीएनए किसी होस्ट में एक्सप्रेस कर रहा था वो होस्ट क्या था, चाहे वो बैक्टीरिया हो जाए, चाहे प्लांट सेल हो जाए, और चाहे ये क्या हो सकता है होस्टल, ये जिसमें रिकमेंडेड डीएनए हो, जिस होस्टल में रिकमेंडेड डीएनए हो, तो ये बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है और ये प्लांट सेल भी, फंजाई भी हो सकती है, फंगल सेल होते हैं, ये प्लांट सेल भी हो सकती है और ये एनिमल सेल होती है। कुल मिला जुला के हम दोनों में देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है और प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। तो अब इन सब का एक्सप्रेशन हमको लेना है, बैक्टीरियल सेल का भी, फंगस का भी, प्लांट का भी, एनिमल का। हम देखेंगे अच्छा ये होस्ट, ये जो होस्ट है ये तुम्हारे ये सब सारे हैं, होस्ट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह का होगा उस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये कंपेटेबल, ऐसे होस्ट को हम ये रिकमेंडेड डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे जिसकी जो रेट हो, कॉपिंग रेट हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस रिकमेंडेड डीएनए को करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि जो मान लो रिकमेंडेड डीएनए जो था, अगर यहाँ ये देखें कि ये जो रिकमेंडेड डीएनए था, फिर से बनाते हैं इसको, रिकमेंडेड ये हो गया और तुम्हारा ये वाला हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम ये कहें कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो एक्स वाला, जो एक्स जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये किसी मान लो बैक्टीरिया में इंटरेस्ट जो है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये है, ये कोई मान लो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए कौन सा होगा, एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा, एक इंजाइम बनाएगा। ये इंजाइम जो है, ये जो इंजाइम जो किसी ऑर्गेनिज्म में जो है वो क्या काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। अब वो रिएक्शन जो है वो ए है, वो चेंज हो रहा है किसमें, बी में। तो ये जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है एंजाइम, जो ए से बी में चेंज कर रहा है, तो बी जो हो रहा है ये कुछ ऐसे कंपाउंड है, बी जो है ये है सॉल्ट टॉलरेंट कंपाउंड, सॉल्ट टॉलरेंट कंपाउंड। तो जो हम कैसे वर्क किया ये, तो एक्स जीन का जो एंजाइम से मत पर्पस था, वो एंजाइम इसी सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट ए को किसमें चेंज कर दिया, बी में चेंज कर दिया, जो कि क्या, साल्ट टॉलरेंट कंपाउंड है। अगर मान लो ये जो होस्ट होगा होगा मान लो जो होस्ट का सेल होगा, ये है तुम्हारा प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो क्या हुआ, इस प्लांट सेल में ये जो है साल्ट टॉलरेंस की प्रॉपर्टी आ गई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो आर डीएनए है वो किसकी तरह, आर डीएनए किस किस पर्पज के लिए यूज हुआ, तो एंजाइम के लिए। ये पूरा ऑर्गेनिज्म भी अगर कहा जाए, इस पूरी ऑर्गेनिज्म को किस लिए यूज हुआ, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम के लिए यूज हुआ। तो उससे हमने क्या पाया कि चाहे कोई माइक्रो प्लांट ले ले, या यहाँ पे बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, बैक्टीरियल सेल, कुछ भी होस्ट सेल ले सकते हैं, बैक्टीरियल सेल। तो ये सब क्या हो गया, तो या तो एंजाइम कह लो, या तो क्या कह लो, खुद का ऑर्गेनिज्म वो कह लो। इसके बाद जो जो ये जो प्रोटीन बना हुआ है उस प्लांट के लिए, ये तो बात हो गई। अगर मान लो हम चाहते इस कंपाउंड को आइसोलेट करने, प्यूरीफाई करना और ये सब करना, तो प्यूरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या है, प्यूरीफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरीफिकेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्यूरीफिकेशन करेंगे। सेपरेशन प्यूरीफिकेशन कर दिए, और इससे क्या हो जाएगा हमारा, फिर मार्केट लेवल पे हम इसको दे सकते हैं। अगर क्या कर लें, इसमें ट्रायल कर लें और जीईएसी से परमिशन ले लें। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो जो रिकम्बिनेंट डीएनए या जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ये ऑर्गेनिज्म था, वो खुद या फिर उसका एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को चेंज करने में, और वो करेक्टर जो एक्सप्रेस होता है उस करेक्टर को, उस कंपाउंड को अगर प्यूरीफाई करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग से हम प्यूरीफाई कर लिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लगभग कुल मिला जुला के 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले तो क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म जो रिकमेंडेंट डीएनए जिसमें है, उस ऑर्गेनिज्म को, और जो एंजाइम है या उससे वो जो एंजाइम निकलता है वो, तो ये ऑर्गेनिज्म या फिर ये एंजाइम एज एक इंटरचेंजली कह सकते हैं कि ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरा, इस चीज, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए इसको एक सुटेबल कंडीशन देंगे, किसको, इस ऑर्गेनिज्म को, ताकि ये ग्रो कर सके। तो ये एक तरह का कौन सा इंजीनियरिंग था, केमिकल इंजीनियरिंग, याद है तुम्हें, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा क्या था, केमिकल इंजीनियरिंग। ये केमिकल इंजीनियरिंग देंगे, प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, प्रॉपर पीएच देंगे, प्रॉपर ये सब सारी चीज़ें देंगे। उसके बाद जब इसमें प्रोडक्ट ये बन जाएगा, तो इसको हम क्या, डाउन स्ट्रीमिंग करके प्योरीफिकेशन वो कर लेंगे।
अब ये डिपेंड करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट किस पर्पज़ के लिए है। अगर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी मान लो किसी डिजीज़ के रिस्पॉन्स में अच्छा कोई प्रोटीन बना रहा है तो वो हो जाएगा ड्रग के लिए हो जाएगा इस्तेमाल। अगर कोई तुम्हारा ये जो है कोई बहुत ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि क्या कहते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए तो जिसको बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं तो वो हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जिस तरह का जीन चाहे ट्रांसफ़र करें उसमें जिस तरह का ही एक्सप्रेशन होगा उसी तरह से हम इसको क्या करते हैं समझते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वाला जीन था ये ऐसे था ये ऐसे था। अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को कि क्या कहते हैं ये। तो देखो एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी एज यू हैव इधर आ जाओ। ये कह रहा है कि बायोटे एज यू हैव लर्न द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन बायो फार्मास्यूटिकल। तो ये बायो फार्मास्यूटिकल में क्या हमने बताया कि बायो फार्मास्यूटिकल में ये क्या काम कर सकते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स वगैरह बना सकते हैं। बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। अब देखो माइक्रोब्स हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं अगर जेनेटिकली मॉडिफाई हो तो उसको जीएमओ कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर किसी में भी अगर एक्स जीन जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको ट्रांसफर कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डायग्नोस्टिक जीन थेरेपी मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड बायो रिमेडिएशन। अब देखो क्या कहते हैं ये जो अगर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था जो भी पूरा पढ़ रहे थे हम लोग ये था उसके बाद ये मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी आयल को कोई आयल है उसको क्या कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड में जो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है उसमें चेंज कर रहा है मान लो वाई में चेंज कर रहा है। और ये जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये कोई एंजाइम बना रहा है एंजाइम तो ये क्या काम कर रहा है किसी आयल को क्या कर रहा है चेंज कर दे रहा है किसी नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में जो आयल थोड़ा अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में टॉक्सिक हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा। ये भी तो एक तरह का बायो रिमेडिएशन हुआ है। मतलब कि जैसे अगर तुम सिप देखे होगे जहाज वगैरह समुद्रों में जाती हैं तो बहुत से आयल का ट्रांसपोर्ट होता है कई बार एक्सीडेंट होने की वजह से वो आयल स्पिल कर जाता है तो उसको क्या करते हैं कि अब चूंकि ये ओशियन है पूरा लेयर एक बन जाती है तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं या फिर एक्वेटिक लाइफ जो होती है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है जिसके एरेशन प्रॉपर नहीं होने पा हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है या तो इसको जलाओगे तो एयर पॉल्यूशन होगा दूसरा इसमें हीटिंग हो जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ी इशू है। तो इसके लिए क्या जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कुछ तो इसी इसी टर्म में एक बना था सीडोमोनास पुटीडा। सूडोमोनास पुटीदा ये आयल स्पिल क्या करता था जो जो बहे रहते थे तो ये लेबोरेटरी में बहुत अच्छा वर्क किया लेकिन ये बाद में देखा गया कि ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे जब देखा गया तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सूडोमोनास पुटीदा बायो रिमेडिएशन के लिए यूज होता है। क्या कैसे बताओगे तो कहोगे जो आयल स्पिल होते हैं उसको ये डिग्रेड जैसे नेपथलीन ये सब जो होते हैं कंपाउंड होते हैं आयल्स में तो उसको ये डिग्रेड करके दूसरे कंपाउंड में स्टायरीन या इन सब सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देता है। तो ये लेबोरेटरी में ये रिकमेंडेड जेनेटिक मॉडिफाइड बनाया गया इसको और इसको क्या किया बायोमेडिसिन में यूज़ किया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट में पढ़े ही होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाले ट्रीटमेंट पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत से बैक्टीरिया फंगस जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस उन सब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें क्या करते हैं उसको डिग्रेड करने में मदद करें। एनर्जी प्रोडक्शन में एनर्जी प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आज के सेंस में है ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन के लिए। तो ये बहुत से एलगी साइनोबैक्टीरिया जो हो गए वो क्या होते हैं इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं कि अगर हम रिकमेंडेड जीन बनाए जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन या लिपिड प्रोडक्शन इस तरह का करें तो ऑयल प्रोडक्शन ये सब एक तरह का एनर्जी सोर्स होते हैं तो ये सब में भी ये क्या बायोटेक्नोलॉजी हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल है। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो पूरे बायोटेक्नोलॉजी के जो अप्लीकेशन है उसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं जो अभी रिसेंट में हम लोगों ने अपने से पढ़ा था। तो ये एनसीईआरटी में देखो कैसे क्या क्या लाइन लिखा हुआ है उसके लिए। तो सबसे पहला काम करना प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म यूजली माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम। वही वाली बात है जो एक्स कोई ए कंपाउंड था ए को चेंज कर रहा था बी में तो यहाँ पे क्या हो रहा था या तो कोई रिकमेंडेंट वाला जो ऑर्गेनिज्म हो या उसका एंजाइम हो ये दोनों एक तरह कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और जो ए से बी चेंज कर दें हो सकता है ए बहुत टॉक्सिक हो ये नॉन टॉक्सिक में चेंज जाए हो सकता है ए कोई नॉन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बी वाला में गया तो बहुत फंक्शनल हो गया जैसे सॉल्ट टॉलरेंस हो गया हीट टॉलरेंस हो गया ये सब चीज़ें होंगी। तो इस तरह से पहला तो काम यही हो गया इसकी बात कर रहा है कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट फॉर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म यूजली ए माइक्रोस आर प्योर
इंजाइम, दूसरा क्या, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग, वही वाली बात है कि जैसे ही इसको तुमने बनाया रिकम्बिनेंट डीएनए वाला, सॉरी ये वाला जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ये देखो यहाँ पे फिर से बना देते हैं, जैसे ही तुमने ये वाला बनाया, ये हुआ और ये तुम्हारा हो गया आरडीएनए, और ये किसी मान लो होस्ट में ही है, ये होस्ट है तुम्हारे सेल, तो इसको इससे इंजाइम निकालने के लिए उससे पहले पहले इसको खूब बढ़िया से कल्चर करोगे ना, कि ताकि न्यूट्रिएंट वगैरह दोगे केमिकल, या बड़े स्केल पे करना तो बायो रिएक्टर बनाओगे जो 100 से 1000 लीटर के आसपास था, तो बायो रिएक्टर दो या फिर ये करो, तो इस तरह से हम क्या काम करेंगे, क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन केमिकल इंजीनियरिंग करके जो कैटलिस्ट अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू टेक्नोलॉजी, अब यही जो प्रोडक्ट आया उसको क्या करें, प्योरीफिकेशन सेपरेशन प्योरीफिकेशन प्रिजर्वेशन करेंगे, प्रोटीन हो गया, चाहे वो प्रोटीन भी हो सकता है, चाहे एंजाइम हो सकता है, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है वो, तो यही तीनों बातें हैं कि सबसे पहले तो बेस्ट कैटलिस्ट ए से बी में चेंज करने वाला, या तो खुद इंजाइम चेंज करें इंजाइम के टर्म्स से देखो, चाहे वो खुद ऑर्गेनिज्म के टर्म्स से देखो, तो ये तीन स्टेप्स थे, इन्होंने ये बताया है इसी को। अब आगे आते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब देखो हमारी जो अल्टीमेटली जो है पूरी लाइफ जो है डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, है कि हम कुछ जब भी कोई सर्वाइवल के लिए क्या है ईट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो बायो एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, तो सिंपल सी बात है, हमने जैसे ही बताया कि ये देखो ये था कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स था, इससे इससे कोई भी जो कंपाउंड निकलेगा जो जो भी, अगर मान लो वो क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर उसमें रिकमेंडेड डीएनए बना के हम भेज दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर में हो जाएगा, तो इसको जानने से पहले अभी रिकमेंडेड डीएनए से उससे पहले देखते हैं कि क्या सीन था पहले कि कैसे। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक खेती करते थे, ऑर्गेनिक खेती, उसके बाद क्या काम करते थे, फिर क्या हो गया एग्रो केमिकल बेस्ड करने लगे, एग्रो केमिकल बेस्ड करने लगे खेती, फिर उसके बाद क्या आया, तब आया तुम्हारे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये आया। ऑर्गेनिक वाले में हम लोगों ने क्या काम किया शुरू शुरू में, ऐसा नहीं है कि आज आज के डेट में केवल जेनेटिक मॉडिफाई होता है, एग्रोकेमिकल बंद हो गया और ऑर्गेनिक हो बंद हो गया, नहीं, ये सब है, लेकिन सबका अपने अपने कुछ फीचर्स है, कुछ एडवांसमेंट फीचर है, कुछ में कुछ ड्रॉबैक भी है। ऑर्गेनिक खेती की ये बात होती है जिसमें जो मैन्योर यूज करते हैं, जो खेत गाँव में देखे होंगे कि कभी जो खेती करते हैं तो उसमें क्या खाद यूज करते हैं, हिंदी में इसको खाद कहते हैं, खाद को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। ये थोड़ा इसकी इसकी कमी ये है, लिमिटेशन ये है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, इन सब में प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो अब ये है कि कोई भी एग्रीकल्चर या फार्मर है वो मान लो, तो वो क्या काम करेगा कि उसको तो चाहिए, जैसे डे बाय डे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि डे बाय डे हमारी क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फिर क्या होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगा किसके लिए, फूड के लिए, डिमांड फूड और किसके लिए, स्पेस के लिए, फूड स्पेस दोनों के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो स्पेस का तो बात की बात है, पहले फूड को देखते हैं, फूड में क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी हमारा क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने गए तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लो होगी, तो वो जितने पॉपुलेशन है उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट आसानी से नहीं हो पाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि इसकी खूबी ये है कि ये जो होता है एकदम वाइल्ड टाइप का होता है, एकदम नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है, बिना किसी केमिकल्स या फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के होता है, केवल मैन्योर जैसे वो काउडंग हो गया, ये सब चीज़ें का इस्तेमाल करके होता है, तो हालांकि प्रोडक्टिविटी लो होती है लेकिन बहुत ही प्योर होता है, और बहुत ही ज़्यादा जो होता है बायो मैग्निफिकेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक खेती, बस बट क्या पॉपुलेशन लो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डे बाई डे बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से हमको क्या करना होगा, कुछ इससे अच्छा करना होगा। तब उसके बाद एक आया तुम्हारा इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन जो थे इसमें यही कहा गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में, कि जब भी ग्रीन रिवोल्यूशन की बात है तो इसमें हरित क्रांति जिसे कहते हैं, तो इसमें एक थे एनी बोरलॉग और एक थे एम एस स्वामीनाथन, तो ये जो थे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो इंटरनेशनल लेवल पे कहोगे एनी बोरलॉग, अगर पूछा जाए इंडियन तो ये बताओगे इंडियन फादर कौन है, ये एम एस स्वामीनाथन। तो अब समझते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या थी, ग्रीन रिवोल्यूशन वो थी कि इन्होंने ये बताया था कि देखिए अगर क्या हो, जैसे ये कोई प्लांट है तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ानी है, ये सब करना है,
तो इन्होंने कहा कि क्या करो किसान से, और सब वो इन्हें सजेस्ट किया कि ये क्या एग्रोकेमिकल बेस्ड खेती कराइए, मतलब इसमें क्या करिए कि इसमें जो है फर्टिलाइजर के इस्तेमाल कीजिए, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल कीजिए जैसे यूरिया डीएपी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें। दूसरा क्या काम करिए कि इसमें इस्तेमाल कीजिए क्या है पेस्टिसाइड। देखो क्या होता है जब भी कोई प्लांट होता है तो उसमें दो तरह के फैक्टर काम करते हैं, एक तो इसकी मतलब दो ही नहीं बहुत से होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्लांट के अंदर खुद का है जीनोमिक कंस्टिट्यूएंट होता है जो डीएनए ब्लूप्रिंट होती है, दूसरा का एक्सटर्नल फैक्टर जो टेम्परेचर हो गया प्रेशर हो गया कुछ भी जो भी सारे एक्सटर्नल प्रेशर हो गया वो। उसके अलावा इसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट की जगह पे हम क्या करेंगे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जैसे यूरिया डीएपी ये सब, तो इनकी क्या बात होती है कि ये तो मान लो यूज़ तो करेंगे तो सेल क्या होगा, यूरिया जैसे अगर दिए यूरिया तो सी ओ इसका फार्मूला क्या होता है सी ओ एन एच टू एन एच टू, सी ओ एन एच टू एन एच टू, तो ये क्या होता है नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स होता है 46% होता है कभी एग्जाम में आता है 46% नाइट्रोजन होता है इसमें यूरिया में। यूरिया अगर डायमोनियम फास्फेट डीएपी हो गया, उसके अलावा और बहुत से हैं तो ये एनपीके हो गया क्रिटिकल एलिमेंट ये सब हम छिड़काव किए। तो अब फर्टिलाइजर जैसे ही ये आया तो ये क्या काम मतलब इसको एक्सपोज किए तो ये क्या होगा नाइट्रोजन की जो आसानी से मिलने लगा तो इसकी ग्रोथ तेज़ी तेज़ी होने लगी, तेज़ी तेज़ी तो होने लगी लेकिन फिर क्या होगा कि जो सॉयल की क्वालिटी है वो धीमे धीमे डिक्रीज होने लगी, तो जो उसको कहते हैं कंड्यूसिव सॉयल, तो जो जिस जिस सॉयल जो बहुत हेल्दी सॉयल होता है जो सपोर्ट करता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को उसको कहते हैं कंड्यूसिव सॉयल, और जो नहीं करता उसको कहते हैं नॉन कंड्यूसिव सॉयल। तो ये क्या काम कर रहा है कि फर्टिलाइजर इन सब को डालने की वजह से क्या हो गया सॉयल की क्वालिटी रिमूव हो गई, तो जो फर्दर तुम इस प्लांट की ग्रोथ तो हो जा रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो रजिस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब कि जो भी इसको ईट करेगा उसमें भी वो केमिकल चले जाएंगे, जब वो केमिकल चले जाएंगे तो फिर धीमे धीमे एक प्रोसेस होता है बायो मैग्निफिकेशन, क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन, तो बायो मैग्निफिकेशन होने लगेगा। बायो मैग्निफिकेशन होने के मतलब ये है कि उसमें क्या हो जाएगा कि धीमे 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 हमारे लिए या कोई भी जो भी उसको ईट करेगा उसके लिए बहुत ही टॉक्सिक होने लगेगा। तो ये था तुम्हारा, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो ये एग्रोकेमिकल बेस्ड मतलब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके इन्होंने बताया था उससे 3 टाइम्स जो होता है ये इंक्रीज कर गई थी प्रोडक्टिविटी किसकी जो क्रॉप्स थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है या फिर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ कि हाँ 3 टाइम बढ़ने के बाद भी जो जो रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर तब धीमे धीमे एडवांसमेंट होने के बाद तब आया तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हमने क्या हम लोग क्या बना लेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, तो वो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे कैसे हैं। तो अगर जब कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आए तो एनी बोरोलॉग बताना इंटरनेशनल पे फादर हैं, और जबकि इंडियन पूछा जाए तो क्या बताएं एम एस स्वामीनाथन जी। तो आगे पढ़ते हैं देखो ये है, तो ये एनसीईआरटी यही कह रहे थे कि पहला क्या कहे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कीजिए, दूसरा क्या काम कीजिए कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कीजिए, तीसरा काम करिए जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कीजिए। तो ये वाला थोड़ा एडवांस है और इसी को थोड़ा फॉलो करते हैं कि हाँ चलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है उसको कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक में हमने बताया ना मैन्यूर यूज करते हैं, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन देख रहे थे सक्सेस इन द ट्रिपलिंग ऑफ फूड मतलब 3 टाइम्स क्या किया बढ़ा दिया फूड सप्लाई, बट इट वॉज नॉट इनफ फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन ये क्या था ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रही थी है उस तरह से नहीं सप्लाई सप्लीमेंट को किया। इंक्रीज इंड है पार्सली हैज़ बीन ड्यू टू द इम्प्रूव्ड, अब ये कह रहे हैं कि जो जो ये प्लांट था इसमें हमने फर्टिलाइजर यूज किया मतलब केमिकल यूज किया, फर्टिलाइजर के साथ साथ क्या किया पेस्टिसाइड यूज किया, क्या यूज किया पेस्टिसाइड यूज किया, तो ये तो इसमें ग्रो किया लेकिन इस क्रॉप की जो क्रॉप थी क्रॉप की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो डीएनए वाले भी बता रहे थे इंट्रिंसिक जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी वो तो इंक्रीज ही नहीं हुई। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या वो तो वैसे की है वो जो इंट्रिंसिक क्वालिटी थी सेम एज सच है, तो फर्टिलाइजर से तो ये पार्सली एक तरह से कह सकते हो कि पार्सली जो है इसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है मतलब या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन अगर क्रॉप भी सपोर्ट करता है इस चीज़ को तो ये क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर में भी अगर चेंजेस होते हैं तो ये क्या होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। इंट्रिंसिक फैक्टर का ये मतलब होगा कि जीनेटिक मेकअप से उसके क्या होगा जीनेटिक मेकअप से, जेनेटिक मेकअप अगर सही होता है अगर वो सपोर्ट करता है या फिर बहुत एडवांस टाइप का होता है या फिर
बहुत ही प्रोडक्ट यील्ड बढ़ाने वाला था, तो वो भी होता है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जेनेटिक मेकअप सही नहीं है तो उसको जेनेटिक मेकअप सही करें, तो उसको लिए जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दें, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको जीएमओ कहेंगे, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, जेनेटिक मेकअप को सही करने के लिए उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे। तो ये ओनली पॉसिबल किससे, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर की वजह से, इसकी वजह से ये है। तो कहोगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड जो होगा एग्रीकल्चर से। अब इसमें देखते हैं कि तो यही था कि इन्होंने ये कहा कि क्रॉप इंक्रीज यील्ड है पार्सली पार्सली बीन ड्यू टू द यूज इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, बट मेनली ड्यू टू द बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज द एग्रोकेमिकल जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किए। हाउ एवर फॉर फार्मर डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन एक्सपेंसिव। अब ये जो फर्टिलाइजर खरीदेगा किसान वो बहुत महंगा है, जितने का खेती नहीं कर रहा उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, उससे कुछ ही कम का मतलब ये सब हो जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है। और एक तो प्रोडक्टिविटी भी 3 ही गुना हो रही है और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वेरायटी आर नॉट पॉसिबल। जो पुराने वेरायटी है जैसे यही जेनेटिक मेटअप जो ओल्ड टाइप का है उससे इस तरह का महंगा महंगा फर्टिलाइजर डाल के हम प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हमको क्या करेंगे उसको जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देंगे यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग में। इट इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव, ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव है, तो बोलोगे यस, वो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह का कुछ फर्टिलाइजर केमिकल यूज करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू उसके। जैसे कि सिंपल सा समझ लो कि अगर ये जो क्रॉप है इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में है कोई प्लांट है, मान लो ये जैसे कोई प्लांट है और इसमें ब्रांचिंग हो ही नहीं रही है, तो मान लो एक टाइम में एक ही फ्लावर हो रहा है, तो अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें इसके जेनेटिक में, अब इसमें फर्टिलाइजर और ये तुम दोनों सप्लाई कर रहे हो तो कितना भी करोगे तो ये इसमें हो सकता है 10 दाने लग रहे थे, अब यहाँ पे 20 दाने लगेंगे या 30 दाने लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रांचिंग वाला कोई जीन डाल दोगे तो ये बहुत से ब्रांचिंग हो जाएगा, तो 30 40 ऐसे ऐसे सब दाने लगेंगे, तो इसका ये मतलब कि प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसके इस सेंस में बेस्ट है, क्योंकि हम क्या करेंगे उसको चेंज कर देंगे उसके जेनेटिक मेकअप को भी। जेनेटिक कैन सो द फार्मर मे ऑब्टेन हाई मैक्सिमम यील्ड इन देयर फील्ड। इज देयर एनी वे टू मिनिमाइज द फर्टिलाइजर केमिकल सो दैट द हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट रिड्यूस। तो ये कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हम बना दें कि जिसमें जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्यों यूज करते हैं, अगर कुछ हम ऐसा टेक्निक लगा दें कि जो पेस्ट को ही, ऐसा कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दें जो पेस्ट को ही मार दें, तो इसका ये मतलब ये हुआ, तो पेस्टिसाइड हम एक तो महंगा खरीद के भी ला रहे हैं और दूसरा क्या है उसका यूज़ भी कर रहे हैं, वो बायोमैग्नीफाई हो रहा है। अगर जेनेटिकली ये खुद बनाने लगा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट तो वही तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब सारी पॉसिबिलिटी थी इसमें जेनेटिक रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में। तो यही कह रहे हैं कि यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप पॉसिबल सोल्यूशन, ये लास्ट में बोल दिए कि हाँ देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इज द पॉसिबल सोल्यूशन है इसका, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब देखो कैसे ये पॉसिबल सोल्यूशन है, तो ये है प्लांट बैक्टीरिया हुज हैज बीन, अब वही है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं कि अगर प्लांट कोई और बैक्टीरिया जिसका, जैसे कोई प्लांट है चाहे प्लांट लो चाहे बैक्टीरिया चाहे फंजाई चाहे एनिमल हु जीन हैज बीन अल्टरनेटिव मैनिपुलेशन आजकल जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ। तो जीएमओ क्या हो सकते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को हम मैनिपुलेट कर दिए उसको हम क्या करें जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जीएमओ का पूरा नाम यही है, कभी कभी एग्जाम में आता है जीएमओ का पूरा नाम, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट हैज़ बीन यूज मेनी वे जेनेटिक मॉडिफाइड, अभी जो हमने रिकमेंडेड डीएनए वाला पढ़ा था कि ये जो रिकमेंडेड डीएनए है और ये तुम्हारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो अब ये हो सकता है सॉल्ट टॉलरेंस के लिए हो सकता है, ये हो सकता है कि सॉइल जो प्लांट है जो इफिशियंसी से इस्तेमाल कर रहा है न्यूट्रिएंट को वो तेज़ हो जाए, ये हो सकता है किसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको पॉइंट पॉइंट वाइज करके एनसीईआरटी लिखे हैं कि यहाँ पे देखो इसने इन्होंने कहा कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड रेजिस्टेंस हो सकता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो सकता है, साल्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, होस्ट हीट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये इस तरह के अगर जिस तरह का जीन डालोगे जैसे कोल्ड रेजिस्टेंट जीन डालोगे तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट होगा, तो वो कहोगे ऐसा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड रेजिस्टेंट शो कर रहा है, क्योंकि उसमें जो जीन है वो कोल्ड रेजिस्टेंट जीन है। दूसरा है ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन में क्या हो रहा है कि साल्ट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन है तो सूखा से बचा लेगा। इस तरह से रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्ट, ये कह रहा है कि अगर कुछ हम ऐसा कुछ करें जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्रॉप यूज कर लें। पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट ये होता है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो इंसेक्ट भी हो सकता है,
वो क्या हो सकता है, वीड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ETC, रोडेंट भी हो सकता है। तो ये सब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो जो अगर प्लांट को या फिर जो क्रॉप को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या उसको डिग्रेड करता है, उसको हम कहेंगे पेस्ट। तो अगर मान लो पेस्टिसाइड, जो पेस्ट होगा, पेस्ट को मारने के लिए हम यूज करते हैं वो पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड क्या हो सकता है, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड हो सकता है, वीड को मारने के लिए वीडिसाइड हो सकता है, रोडेंट को मारने के लिए रोडेंटोसाइड हो सकता है। तो इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम नेचुरली प्लांट में ऐसा जीन ट्रांसफर कर दें जो पेस्ट से रेजिस्टेंट शो करे, ऐसा जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट से रेजिस्टेंट शो करे, तो उसको क्या कहेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा कर देंगे तो हम लोग को विश्वास जो है, जो केमिकल, ये हम जानते हैं कि बिना पेस्टिसाइड के क्रॉप नहीं हो सकता है, तो उस पर क्या हमारा बिलीव बन जाएगा कि हाँ बिना उसके भी हो सकता है। हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टेज ला। अब देखो किसानों में क्या होता है कि बेचारे ये खेती कर लिए और जैसे ही क्या होगा, अब इसको काटने की बारी आई, जैसे गेहूं हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको जब लास्ट पोस्ट हार्वेस्टेड, जब हार्वेस्टेड के समय की बात आई, तो उसी समय सारा लॉस हो गया, तो उसको कहेंगे कि बना बनी खेती सब क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो उससे बचाने के लिए जैसे मान लो बाली है उसका, मान लो गेहूं की बाली है, वो जल्दी टूट के गिर गई, तो उससे बचाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि कुछ ऐसा प्रोटीन का या कुछ ऐसा जीन ट्रांसफर कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अर्ली जो लॉस हो रहा है, गिर गए, तो वो क्या होगा, बचा रहे उसमें, और क्या हो जाए कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। इंक्रीज इस एफिशिएंसी मिनरल यूज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट द एग्जास्ट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये कह रहे हैं कि कोई प्लांट अगर मान लो यहाँ पे ये अगर इफिशियंट होगा, न्यूट्रिएंट लेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मान लो यहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है लेकिन ये प्लांट अनेबल है उसको लेने के लिए, तो कुछ ऐसा जीन डाल दो जो इसमें इफिशियंट हो जाए। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जब भी कभी इसकी बात आए न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। कोई भी ऐसा केमिकल जो जो क्या प्रोसेस जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज, तो कहेंगे फोर्टिफिकेशन। लिविंग के लिए जनरली क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू में जैसे एक एग्जांपल दिया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है, तो गोल्डन राइस एक्चुअली ये गोल्डन कलर का दिखता है, विटामिन ए के लिए होता है और ये विटामिन ए रिच होता है, तो उसी को कहते हैं गोल्डन राइस। एक्चुअली क्या होता है कि जो जो राइस बनाया गया था ना, विटामिन ए मतलब आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। तो एक ऐसी पॉपुलेशन थी जहाँ पे ये देखा गया कि ये आई रिलेटेड बहुत इशू आ रहे, तो वहाँ पे ये देखा गया कि राइस में कुछ इशू है जो विटामिन ए से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने वहाँ पे एक रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी की तरह से गोल्डन राइस बनाया, जिस जो अपीयर गोल्डन की तरह होता है, इसलिए उसका नाम गोल्डन राइस है, जो विटामिन ए रिच होता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन विटामिन ए एनरिच। तो कभी कभी एग्जाम में आता है गोल्डन राइस एनरिच इन द विटामिन ए, CBSE में आया हुआ है, नीट में। आगे फिर पढ़ते हैं, इन एडिशन टू दीज यूज जेनेटिक हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट सप्लाई अल्टरनेटिव सोर्स। अब देखो ये क्या हो क्या, टेलर मेड प्लांट क्या होते हैं, जैसे इसके अलावा जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म और चीज़ों के लिए यूज हो सकते हैं। टेलर मेड प्लांट मतलब कि ये होते हैं कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे बायो फोर्टिफिकेशन बढ़ाते हैं, तो ये क्या अल्टरनेट सोर्स दे, उसको कहते हैं टेलर मेड प्लांट। तो अल्टरनेट सोर्स के लिए क्या आता है, तुम्हारा स्टार्च आता है, फ्यूल आता है, फार्मास्यूटिकल, ये तीनों याद करना है कि क्या क्या आता है टेलर मेड प्लांट के लिए सप्लाई अल्टरनेट सोर्स। अल्टरनेट सोर्स के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या देगा, स्टार्चेज देगा, फ्यूल देगा, फार्मास्यूटिकल देगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो यहाँ पे है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इससे देखो, द टेलर मेड प्लांट्स विल सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिसोर्स इन द इंडस्ट्रीज। तो गोल्डन राइस तो टेलर मेड है ही नहीं, ये तो नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, तीसरा फ्यूल्स हो सकता है। तो इसमें न फार्मास्यूटिकल है, ना फ्यूल है, ना ये, तो ये वाला सही होगा। तो इसलिए ये तीनों याद रखना कि टेलर मेड प्लांट के लिए क्या जरूरी होता है। तो टेलर मेड प्लांट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्टरनेट सोर्स किसके लिए देता है, तो स्टार्च के लिए, फ्यूल के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी जो ये बात कर रहे थे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, मतलब कि हमारा जो विश्वास है ये बनाए कि बिना पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि जेनेटिक रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया, GM बनाया गया, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया। वो जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, एक्चुअली वो था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब इंसेक्ट के रेजिस्टेंट में वो बनाया गया। और उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो पहले ये है, इन एडिशन टू दी जेनेटिक मॉडल हैज बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट, तो पढ़ लिए। सम अप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर डेट यू विल स्टडी इन द डिटेल प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट विच वुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। यही वाला है जो ये वाली बात कहे हैं, इन्होंने यही कहा है कि
जो पेस्टिसाइड हो उसको हमको जो उस पर विश्वास है उसको क्या करना है, कम करना है कि नहीं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है अगर हम बना देते हैं तो हम कहेंगे कि पेस्ट मत यूज़ कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि क्या है बीटी टॉक्सिन, इसके लिए इन्होंने नाम सजाया है कि ये एक बीटी टॉक्सिन है। बीटी एक्चुअली क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम बैसलर थुरिंजिनेसिस। तो इसके बी जीनस का फर्स्ट लेटर और थुरिंजिनेसिस स्पेसीज का फर्स्ट लेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं बीटी, क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी कभी पूछा बीटी स्टैंड फॉर, तो पूछे ऑप्शन में बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये हो गया, तो बताना ही नहीं ये बैसलर थुरिंजिनेसिस के लिए है, तो ये याद रखना। तो जब भी ये बैक्टीरिया से था, ये बैक्टीरिया से क्या बीटी था, तो बीटी टॉक्सिन ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं बीटी टॉक्सिन। ये प्रोड्यूस बाय ये बैक्टीरियम बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फॉर द फ्रॉम द बैक्टीरिया हैज़ बीन एक्सप्रेड इन द प्लांट टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंट इन द इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि अगर अगर हम बीटी जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है तुम्हारा और इसमें ये इसका जीनोमिक डीएनए और ये क्या है इसमें ये प्लाज्मिड है इसका, ये सारी है और ऐसे है यहाँ पे। अब इसके अंदर एक जीन है जिसको कहते हैं बीटी जीन। अब बीटी जीन जो है वो क्या है बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया, तो इसलिए इसका नाम क्या है बीटी जीन। ये जो होता है ये टॉक्सिन जीन होता है, कौन सा जीन होता है टॉक्सिन जीन, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जीन होता है ये किसी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक तो ये किसके स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंसेक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप। ये जो बीटी जीन है वो बैसिलस थुरिंजिनेसिस निकाल गया, इसलिए इसका बी बैसिलस थुरिंजिनेसिस बीटी जीन है। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही मारता है। तो ये कहें कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इसके टॉक्सिन का हम इस्तेमाल करके किसी प्लांट में ट्रांसफ़र कर दें, और वो जो प्लांट में जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो भी किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारेगा। तो ये कहें कि तो बीटी जीन में तो कई तरह के बीटी जीन होंगे, तो हाँ हर जैसे ये बताया गया कि बहुत जैसा जैसा होगा डिफरेंट, जैसे मान लो कोई ए जीन है बीटी, बी जीन है, सी जीन है, डी टाइप का, ई टाइप का, इतना जीन है, तो ये मान लो मस्कीटो को मारता है, ए वाला किसको मारता है मस्कीटो को। तो जब भी कभी हम किसी प्लांट में, अब इस बैक्टीरिया का जीन हमको प्लांट में ट्रांसफ़र करना है, तो प्लांट में जब ट्रांसफ़र करना है ये प्लांट है, अब ये प्लांट जो है मस्कीटो से मान लो ये कोई इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या काम करेंगे इसका ए वाला जीन इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि बी वाला। बी वाला करेंगे तो मस्कीटो से नहीं रेजिस्टेंट, क्योंकि ये क्या है स्पेसिफिक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि बीटी जीन हमेशा स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए। तो इसको पेस्ट रेजिस्टेंट से पेस्टिसाइड से अच्छा क्या कहेंगे हम इंसेक्टिसाइड, क्योंकि केवल पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही ये क्या करता है डैमेज करता है। अब हम लोग अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ये होता है। अब जिस प्लांट में इस बीटी जीन को ट्रांसफ़र किए उसको कहेंगे बीटी क्रॉप, क्या कहेंगे बीटी क्रॉप। तो बीटी क्रॉप अगर ये मान लो बीटी क्रॉप में आ गया तुम्हारा, अगर कॉटन में ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको कहेंगे बीटी कॉटन, ये ट्रांसफ़र करते हैं बैगन में तो बीटी बैगन या बीटी ब्रिंजल कहेंगे, अगर ये किसी राइस में करते तो बीटी राइस कर देंगे। तो ये सब सारी बातें हैं। तो अगर बीटी कॉटन लिखा गया तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ऐसा इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस से ला के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट होंगे, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो ये ट्रांसफ़र का होगा, ये किस तरह के पौधे के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो वो उस पौधे के लिए होगा जिसमें इंसेक्ट जो है ज़्यादा डैमेज करते हैं। ये इंसेक्ट क्या होता है जिसमें डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हमारा काम दो काम हो गया, पहला तो हमको पहचानना है कि बीटी का कौन सा जीन लें जो उसी किसी जो जिस प्लांट, मान लो मेरे पास दो पौधे, एक ए पौधा एक बी प्लांट, तो ए प्लांट को मान लो किसी वो क्या कहते हैं फ्लीज, कोई फ्लीज है उससे दिक्कत है, और दूसरा है इसको क्या कोई मान लो बीटल है, बीटल से डैमेज हो रहा है। तो हम बीटी जीन से कई तरह के जीन है, तो ए वाला जीन जो है फ्ली को मारता है, बी वाला जीन जो है बीटल को मारता है। तो हम इस वाले में इसका जो बीटी मतलब बीटी प्लांट में बीटी क्रॉप ए बीटी बी बनाएंगे, तो इसमें ए वाला जीन डालेंगे इसमें बी वाला जीन डालेंगे, अगर उल्टा डालेंगे तो स्पेसिफिसिटी होने की वजह से ये क्या करता है नहीं। अब बात आती है कि ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लो बीटी टॉक्सिन जब इतना टॉक्सिन है तो क्या हो रहा है बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मर जा रहा है। बैक्टीरिया जहर तो जहर ही है, तो किसी जैसे अगर मान लो ये बैक्टीरिया है इसी में बीटी टॉक्सिन है जो जीन है उसे टॉक्सिन है। तो हमेशा याद रखना कि जो बीटी टॉक्सिन होता है
ये जो होता है वो क्या होता है कि प्रो फॉर्म में हमेशा रहता है, जैसे कोई नहीं तो प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है, तो ऐसे ही कोई कंडीशन में, तो ये प्रो फॉर्म में हमेशा रहता है, जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलता है तो तब जाके ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। तो ये याद रखना है कि बीटी टॉक्सिन जो होता है वो जो तब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तभी वो होता है। तो अब आगे इसके में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, आगे इसके बारे में बताएं। तो बीटी कॉटन ऐसे प्लांट होंगे जो जिसमें क्या होगा बीटी जीना हुआ है। तो कॉटन एक ऐसा पौधा है जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हम जानते हैं उससे क्या होता है रुई बनाई जाती है जो कॉटन है। तो ये क्या होता है हम हर जगह यूज होता है कॉटन, बहुत ही बेस्ट फाइबर होता है, तो ये कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉटन में क्या होता है कि उसकी पत्तियों को जो कीड़े खा जाते हैं वो बहुत डैमेज हो जाता है उसमें, तो उससे बचने के लिए हम क्या काम करते हैं इसमें, हमने सबसे पहले तो यही टारगेट बनाया कि कुछ ऐसा बनाते हैं कि कोई ऐसा जीन ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें वो पेस्ट ही ना आए, तो बीटी कॉटन हम डेवलप करते हैं। तो बीटी कॉटन के लिए हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को लेंगे, उसके उससे किसी पर्टिकुलर जीन को, अब हम पहचानेंगे कि जो कॉटन है कॉटन में कौन सा जो है वो क्या कहते हैं इंसेक्ट जो है लगता है, तो उस इंसेक्ट के अकॉर्डिंगली वो बीटी जीन हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसजेनिक बनाएंगे। इसके लिए देखो यहाँ पे है कि बीटी कॉटन सबसे पहला ये एक एग्जांपल दिया गया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये मार्केट में है कि बीटी कॉटन क्या होता है कैसे इसको करते हैं। तो देखो बीटी कॉटन में क्या है, बीटी कॉटन सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन डेट किल सर्टेन इंसेक्ट, ये लाइन याद रखना है, सर्टेन इंसेक्ट को ही किल करेगा। और वो सर्टेन इंसेक्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, जैसे लेपिडोप्टेरान ग्रुप, तो उसमें कौन आता है टोबैको बर्ड वार्म और आर्मी वार्म, इस जितनी ये दो लाइन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है जब नीट में, जब भी बीटी कॉटन के बारे में पूछा जाता है तो लेपिडोप्टेरान में कौन सा आर्मीजम इंक्लूड होता है कहोगे, तो यही बस एग्जाम्पल जो इंसियाटिन दिया यही याद रखना, तुम्हें ये तीन बातें याद रख लेनी है कि लेपिडोप्टेरान, लेपिडोप्टेरान एक ग्रुप है इंसेक्ट का, दूसरा ग्रुप है तुम्हारा पोलियोप्टेरान और तीसरा है डिप्टेरान, डिप्टेरान ये तीन मेजर ग्रुप है जिनको क्या करता है बीटी जो है इन्फेक्ट करता है। इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग जीन, इसके लिए अलग जीन होगा। तो लेपिडोप्टेरान में कौन कौन इंक्लूड होता था, टोबैको बर्ड वार्म आर्मी वार्म, पोलियोप्टेरान में क्या होता है बीटल होता है, डिप्टेरान में फ्लिया मॉस्किटो होता है। तो ये तीनों ग्रुप होते हैं और तीनों के लिए अलग अलग जीन्स होंगे स्पेसिफाई होंगे ग्रुप के लिए। बैसिलस थुरिंजिएंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, अब ये कह रहा है कि कैसे वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जो जैसे अगर ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस है और ये जो होता है कोई मान लीजिए टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टॉक्सिन जो होगा वो किसी सर्टेन स्टेज पे ही करेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमेशा ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बैक्टीरिया से हम जब भी कभी ये टॉक्सिन को आइसोलेट करेंगे तो वो केवल पर्टिकुलर सर्टेन स्टेज में ही होगा, टॉक्सिन क्या जो जीन करेंगे तो केवल पर्टिकुलर स्टेज में ही वो क्या करता है वो बनता है। तो फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ, हमेशा नहीं, ये याद रखना लाइन को, पर्टिकुलर फेज में ही करता है अपने ग्रोथ के, जैसे ग्रोथ में बहुत से फेज होते हैं लैग लॉग स्टेशनरी, तो किसी पर्टिकुलर फेज में ही ग्रोथ के बनता है। दीज क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिन, जो वही टॉक्सिन था, ये क्रिस्टल जो ये एक तरह का क्रिस्टल होता है जिसको हम क्या कहते हैं टॉक्सिन क्रिस्टल, वो द क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो ये जो क्रिस्टल था ये क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है ये क्या होता है इंसेक्ट को मारने के लिए होता है, इंसेक्टिसाइडल इसलिए कहते हैं जो क्रिस्टल है। ये बीटी का जो बीटी है बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको, जो एक प्रोटीन का फॉर्म होता है जिसको कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में क्राई कहते हैं, और वो जो होता है कि इंसेक्टिसाइडल होता है। व्हाई डज नॉट दिस कारण किल द बैसिलस, क्यों नहीं किल करता, तो कहोगे कि बैसिलस क्यों, क्योंकि वो प्रो फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे ही वो अगर एक्टिव फॉर्म में आ जाता तो वो भी किल हो जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या करता है कि वो प्रो फॉर्म में रहता है इसलिए क्या करता है कि वो उसको नहीं करता है। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट वंस एज इंसेक्ट इंजेस्टेड, जैसे ही जैसे ये मान लो ये बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन और यहाँ कोई पर्टिकुलर ग्रुप आके इंसेक्ट जो है इसको खाया, इसकी पत्तियों को खा गया, इसकी पत्तियों को खा गया, तो ये जैसे जाएगा इसकी गट में एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा ना, तो जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसका जो है मिड गट, ये याद रखना बात,
मीड गट के ये जो है इसका सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं इपिथेलियम सेल, इपिथेलियल सेल, मीड गट के एपिथेलियल सेल में ये जाएगा और यहीं पे क्या करेगा, पोर क्रिएट कर देगा, पोर क्रिएट कर देगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा। तो टॉक्सिन कैसे काम करता था, पहले तो था प्रो फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में था, जब ये बैक्टीरिया ये खाया, जो पत्तियों को खाया, क्योंकि इसमें बीटी जीन था, ये टॉक्सिन जीन था ये स्पेसिफिक वाला, ये जैसे ही खाया तो ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसके मिड गट में आया तो यहाँ पे पीएच था एल्केलाइन, पीएच क्या था, बेसिक पीएच था, बेसिक पीएच में ये जो प्रोटॉक्सिन था ये किस में, एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, फिर क्या इंटेस्टाइनल पोरेशन हो गया, ये पोर क्रिएट कर दिया मिड गट में, एपिथीलियम सेल वाल में पोर स्वेलिंग हो जाएगी और ये मर जाएगा। तो वही कह रहा है, इट कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट वाल विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, वही सॉल्युबलाइज क्रिस्टल है और एक्टिव कर दे, द एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिड गट एपिथीलियम सेल के सर्फेस से बाइंड कर देता है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्रिएट द पोर दैट काज द सेल स्वेलिंग एंड लाइज इवेंचुअली काज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो स्पेसिफिक हम बताए थे स्पेसिफिसिटी क्या होता है, तो इसके लिए पहले ये देख लो कुछ क्वेश्चंस हैं, तभी क्लियर होगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड टू किस पे, सरफेस ऑफ इपिथिलियम सेल, सही है, किसके, मीड गट की, फोर गट की, हिंड गट, मीड गट, सरफेस ऑफ मीड गट ऑफ इपिथिलियम, तो ये पहला सही हो गया। बीटी टॉक्सिन डज नॉट हार्म, किसको नहीं करता, तो बैसिलस को नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में रहता है, प्रो फॉर्म में रहता है, प्रो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है हम आगे फिर थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन, तो देखो क्या है कि स्पेसिफिसिटी दी बीटी टॉक्सिन के हम बताए हैं कि किसके लिए कौन कौन सा होता है, तो बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियस, यस, इनकॉर्पोरेटेड इन द सेवरल प्लांट क्रॉप, ठीक है, जिसमें करेंगे जैसे कि कॉटन में किए, तो इसमें क्या किया गया कि जो प्लांट है वो उसको कहेंगे बीटी कॉटन। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द, जो चॉइस करेंगे तो हम बताएं जो पर्टिकुलर जीन होगा पर्टिकुलर ही उसको हम क्या करेगा, इंसेक्ट को कट करेगा, टारगेटेड पेस्ट को ही करेगा, एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये लाइन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि इंसेक्ट ग्रुप को, पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप को ही वो क्या करेगा, किल करेगा। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन जिसका नाम है क्राई वन ए सी, एक्चुअली उसको क्या कहते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया था इसमें जो टॉक्सिन था उसको क्या कहते हैं, क्राई, ये क्रिस्टल प्रोटीन था, ये इनसॉल्युबलाइज था, जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिला मिड गट एपिथेलियल में तो क्या हो गया, सॉल्युबलाइज हो गया और टॉक्सिन हो गया, इंटेस्टाइनल पोर क्रिएट कर गया, स्वेलिंग हो गया, सेलाइज कर गया, मर गया ये। और यहाँ पर क्या हुआ कि क्राइजिन जो होता है उसको कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन, CRY, क्राइजिन। अब देयर आर नंबर ऑफ देम, वो बहुत तरह के होते हैं क्राइजिन, क्राई हो, तो इसमें जो बहुत से नंबर है, तो इसमें देखो एक ये है क्राई वन ए सी और क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन बॉल एंड क्राई 1AB कंट्रोल द कॉर्न बॉरल। तो ये अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ कौन सा स्पेसिफिक, कोई जीन का नाम बताओ या फिर जो कौन सा जीन है जो किसके लिए स्पेसिफिक है, तो यहाँ बताओगे तुम कि देखिए जो क्राई क्राई 1AC और जो दूसरा है वो तुम्हारा सी स्मॉल से होगा और दूसरा है क्राई 2AB, ये दोनों जो होंगे वो किसके लिए होगा, कॉटन बॉल वार्म के लिए होगा, किसके लिए, कॉटन बॉल वार्म के लिए होंगे, और ये वाला जो होगा क्राई 1AB जो होगा, देखो दोनों में अंतर है, 1AC और क्राई 1AB कंट्रोल द कॉर्न बॉरर। तो पूछा जाए कॉर्न बॉरर से रेस्टेंट वाला जो जीन है बीटी वाला वो कौन सा होता है, क्राई A1, अब ये तीनों ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, तो क्राई 1AC, क्राई 1AC जो है वो क्या हो रहा है, क्रिस्टल प्रोटीन है बनाता है, वो कॉर्न बोरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है, देखो यहाँ पे एक फिगर NCERT ने दिया है कि जो कॉटन होता है अगर उसमें देखो डिस्ट्रॉय बॉल वार्म इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये वाला जो ए फिगर है ये वाला, तो ये देखो एकदम ये वाला एकदम डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब बी वाला देखो अच्छा कॉटन है, फुल्ली मेच्योर कॉटन है, जैसे इंसेक्ट आता है तो ये इस तरह का बन जाता है, एकदम डैमेज हो जाता है, जबकि ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम इस तरह का कुछ टेक्निक पे बीटी कॉटन बनाते हैं तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलने लगेगा, तो यही है बीटी कॉटन। अब देखो एक बात याद रखना यहाँ पे कि बीटी कॉटन के साथ साथ जो और भी बीटी के क्रॉप है, जैसे बीटी बैगन है, बीटी टोमेटो है, तो बीटी ब्रिंजल है,
तो इन सब पे थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन है कि बीटी ब्रिंजल, देखो कॉटन को तो हम मार्केट लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, उसको कोई फूड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीटी ब्रिंजल को हम ईट करते हैं। जब ईट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो वाले जीन, वो क्रिस्टल प्रोटीन या वो हो सकता है वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाए, या फिर कोई ऐसा रेजिस्टेंट हो जाए जो मतलब सुटेबल ना हो, तो उसके कंसिक्वेंसेस किसी को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इसलिए इसको इस पे बहुत ही विवाद है कि जो ईट वाले प्रोडक्ट हैं उनको हम इस्तेमाल करें कि नहीं, लेकिन बीटी कार्टन फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो है तुम्हारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में तो एक तो हमने बना लिया इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, वो किससे? पहला तो हमने बनाया क्या था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्लांट बनाया। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में क्या बनाया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए बनाया हमने, क्या बनाया, बीटी कॉटन बना लिया, एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा है पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट तो बहुत कुछ हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, रोडेंट्स भी हो सकते हैं, और भी क्या हो सकते हैं, बहुत से कोई भी चीज़ वीड हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखो एक एक निमेटोड है, निमेटोड का नाम स्केरिस का नाम सुना होगा, तो वो निमेटो हेमेंथीज होता है ना, उसी में है। तो निमेटोड जो होता है वो डिजीज काज करता है, तो ह्यूमन में भी काज करता है, बहुत से एनिमल में भी काज करता है, और क्या करता है, प्लांट्स में भी काज करता है। बड़े तो ये क्या है, ये बहुत ही नशा करता है एक तरह का, जैसे कि टोबैको प्लांट पे क्या करता है, ये एक तरह का तंबाकू पीता है समझो, जो निमेटोड है जो प्लांट है उसमें एक स्पीसीज इसकी है निमेटोड की, उसका नाम है मिलाइटोगिनी इंकोग्निसिया। तो ये क्या है, तंबाकू खाता है, तंबाकू खाता है उसके जड़ को क्या करता है, खा जाता है, तो ये डिजीज कैच करता है। तो निमेटोड जो होता है पैरासाइट होते हैं प्लांट्स पे भी, एनिमल पे भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन, ये समझ गए। अब एक निमेटोड ऐसा है मिलाइटोगिनिन जो कि क्या है, नशेड़ी है जिसको कहेंगे, टोबैको तंबाकू के रूट को खा जाता है। तो वो क्या करता है, ग्रेटर का, अब जो टोबैको जो हमारे जानते हो कि टोबैको बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक कह सकते हो जो वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये बेचा जाता है। तो टोबैको जो होता है वो उसके प्लांट को ये डैमेज कर देता है, कौन, मिलाडोगानी इग्नोसिया। तो इसको रोकना है ना, टोबैको प्लांट को बचाना है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कोई रेजिस्टेंट प्लांट बना दें। तो रेजिस्टेंट बनाने के लिए तो बीटी का इस्तेमाल कर दें, बीटी जीन, तो लेकिन वो तो पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, टॉक्सिन था। तो मिलाडोगानी के लिए हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक बहुत ही नोवेल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, जिसको कहेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस समझते हैं अभी, तो काज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, टोबैको यील्ड को कर देता है। जैसे अब ये है, अब यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा होगा, रूट नॉट डिजीज काज करता है, ये कौन सा डिजीज करता है, रूट नॉट डिजीज। पूछा जाए रूट नॉट डिजीज किससे होता है, क्योंकि मिलाडोगाइनिन से इनवेटोर, ये है तुम्हारा देखो ये क्या कहते हैं मिलाडोगाइनिन, ये देखो टिशूज है उसी में है ये सब, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये रूट नॉट काज किया है, देखो नॉट नॉट जैसा हो गया ना, तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है, किसकी, टोबैको प्लांट की। तो इससे बचने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या काम किया कि डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक इस्तेमाल की है, उसमें से सबसे सुटेबल जो है आरएनए आई है, आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखो दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है हमारे बॉडी में कह रहे हैं नेचर में, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। इसमें जो होता है, जैसे कोई वायरस अटैक करेगा, इसमें इसमें जब कोई वायरस अटैक करेगा तो ये अपने बचने के लिए इस्तेमाल करता है, जब भी बायोटेक में पढ़े रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को करता है। इसके अलावा इसमें यूकैरियोट क्या काम करता है, इससे बचने के लिए इसकी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसा था, एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत क्या करता है, इस्तेमाल करता है, जो बाहर से कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको कट कर देगा या मिथाइलेट कर देगा। यूकैरियोट में क्या था, यूकैरियोट्स वाले में ये था कि ये देखा गया कि कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया जाता तो नो, तो इसमें डिफेंस के लिए इन्होंने क्या काम किया है, नेचर क्या दिया इसको, यूकैरियोट में बहुत ही नोबेल टेक्नोलॉजी दी जिसका नाम है आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, क्या दिया, आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये पूछा जाए कि भाई तो आरएनए इंटरफेरेंस है क्या, तो आरएनए में इंटरफेरेंस कर दे, यही तो बात है इसमें। तो इसमें क्या करता है, अगर पूछा जाए कि क्या आरएनए इंटरफेरेंस प्रोकैरियोट में पाया जाता है कि नहीं, तो कहोगे कि नहीं,
ये नहीं पाया जाता, लेकिन इसके मिलता जुलता एक टेक्निक होता है क्रिस्पर, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, वो इस बात की बात है, वो यहाँ नहीं ज़रूरत है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं कि ये अपने आप को जीनोम एडिटिंग, एक्चुअली वो होता है जीनोम एडिटिंग, तो ये करता है। और ये क्या करता है, आरएनएआई करता है। अब आरएनएआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है आरएनए इंटरफेरेंस। अब देखो कोई, जैसे ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए, ये तुम्हारा जीन है, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स है, इसकी एक्सप्रेशन हो रही है, तो इससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बन गया। अब हम क्या काम करें, इस एमआरएनए में ये ए था, ये यू था, ये जी था, ये सी था, ये था, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम, ये बन गया। तो ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। अब अगर हम बाहर से कहीं से इंट्रोड्यूस कर दें कुछ ऐसा कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, मतलब कुछ इस तरह का स्टैंड कर दें, यू ए सी जी ये कर दें, और इसमें ये दे दें कि ये जो है इधर, ये इसका है 5 प्राइम और इधर है इसका 3 प्राइम, इधर इसका है ये कहाँ पे है 3 प्राइम, ये कर दे और इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये जो डीएनए आएगा यहाँ पे, जैसे ये आया यहाँ पे, तो ये क्या होता है 3 प्राइम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था 5 प्राइम। अब जैसे ही ये आया, ए की जगह पे यू आ गया, यू की जगह पे ए आ गया, सी की जगह पे जी, जी की जगह पे सी आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, अब ये हो गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब जैसे ही इसके आगे वाला स्टैंड, ये तो आरएनए बना था, किससे बना था, ट्रांसक्रिप्शन से। अब आगे क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा। तो एक स्टेप तो ये होता है कि यहाँ पे आगे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम यहाँ बाइंड होता है, ऐसे करता है, यहाँ पे बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये इसमें दो स्ट्रैंड हो गया, एक तो हो गया सेंस स्ट्रैंड और दूसरा क्या हो गया, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब जब आरएनए, एमआरएनए तुम्हारा फ्री ही नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, तो यहाँ चेक हो गया, तो नो प्रोटीन, इसमें कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये आरएनए में क्या हुआ, आरएनए नॉर्मल जा रहा था, लेकिन यहाँ इंटरफेयर कर दिया किसी ने, और वो क्या इंटरफेयर किया, तो कोई बाहर का उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को इसमें इंसर्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, इसमें इंटरफेरेंस हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस। इससे क्या होगा, जो एक्स जीन का एक्सप्रेशन हो रहा था, जो प्रोटीन, इससे फिर प्रोटीन बनेगा ना, ये प्रोटीन बन गया मान लो, तो एक्स जीन का जो एक्सप्रेशन हो रहा था वो नहीं होगा, नो प्रोटीन बनेगा, इसलिए जीन साइलेंट हो गया, एकदम चुप हो गया इसके लिए। तो इस आरएनएआई का दूसरा नाम है कि जीन साइलेंसिंग। आरएनएआई से हम क्या कर सकते हैं, जीन को साइलेंट कर सकते हैं, साइलेंसिंग। अब ये पूछा जाए कि जीन साइलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये कैसे हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर हमको जो मिलाडोगानी था उसको मारने में कैसे हम इसका मदद ले सकते हैं। तो जीन साइलेंसिंग हम जानते हैं कि जो रूट नॉड बनाता है जो डिजीज, जो जीन उसको पहचान ले, उसी का कम्प्लीमेंट्री एक आरएनए इसमें डाल दे, और क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड बन जाए, उससे कोई डिजीज ही नहीं होगी, ना ही रूट नॉड होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आरएनएआई का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो ये जो होता है, जो नेचर होता है, नेचर क्या करता है, एज ए सेलुलर डिफेंस दिया रहता है ह्यूमन, सो इन यूकैरियोटिक सेल में एज ए सेलुलर डिफेंस दिया रहता है। जैसे कोई मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है, तो ये न्यूक्लियस है इसमें, और इसमें मान लो कि जो आरएनएआई की जो टेक्नोलॉजी है, आरएनएआई वाला, ये इसमें नेचुरली दिया रहता है। जैसे कोई मान लो वायरस अटैक किया इस पर, वायरस, या कोई मान लो ट्रांसपोजान है, ट्रांसपोजान, ट्रांसपोजान जो होता है, ये अगर वायरस या ट्रांसपोजान ये सब जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोजान को हम क्या कहते हैं, दूसरा मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल एलिमेंट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है जंपिंग जीन, इसको क्या कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं। अब जंपिंग जीन हो गया, तो ये सब जाके क्या काम करते हैं कि ये जैसे ही वायरस गया, कोई डिजीज कैच करे, तो इसके लिए इस हमारा सेल जो डिफेंस के रिस्पांस में, इसके डिफेंस रिस्पांस में इसके कम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देता है इन सब के। जैसे मान लो ये कोई मान लो ये वायरस था, इसका आरएनए यहाँ पे गया, तो ये तुरंत अपना जो हमारा सेल है वो क्या करता है, इसके कंपेयर में एक आरएनए बना के डबल स्ट्रैंड आरएनए बना देगा, जीन साइलेंस हो जाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हमारे जो नेचुरल, अगर पूछा जाए कि वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और ट्रांसपोजान से बचाने के लिए हमारे यूकैरियोटिक सेल में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो कहोगे कि वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, तो वो बताओगे डिफेंस मैकेनिज्म आरएनए आई है, वो नेचुरली सेल रिस्पॉन्स करता है। अब बात आती है कि तो इसका हम इस्तेमाल करके कैसे, आरएनएआई के इस्तेमाल करके हम कैसे मिलाडोगानी से बच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे उसमें किया गया वैसे इसमें कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है इसने,
आर एनी टाइट एक्सप्रेस इन ऑल योर करियर टारगेट एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, यही है। दिस मेथड इन्वॉल्व इन द साइलेंसिंग स्पेसिफिक एम आर एन ए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, वही जो डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बना जिससे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, प्रोटीन फर्दर नहीं बन रहा, तो वही है मॉलिक्यूल डेट बाइंड टू द एनी प्रिवेंट ट्रांसलेशन फर्दर एम आर, इसको क्या करता है साइलेंसिंग कर देता है। द सोर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री आर एन ए कुड बी फ्रॉम द फ्रॉम एन इन्फेक्शन इन्फेक्शन बाई वायरस हैविंग आर एन ए जीनोम, मान लो कोई आर एन ए बाहर से गया तो वही आर एन ए होगा उसी का कम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, या मोबाइल जेनेटिक इंजीनियर जिसको ट्रांसपोजन करते हैं जंपिंग जीन दैट रिप्लीकेट बाय एन आर एन ए इंटरमीडिएट, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं ये बचा लेता है। ये याद रखना है कोई भी ऐसा हो जो आर एन ए इंटरमीडिएट से रिप्लीकेट करेगा तो हमारा जो सेलुलर डिफेंस है वो बचा लेगा उसको उसकी कम्प्लीमेंट्री बना के। दूसरा है कि अब आती है कि आर एन ए आई का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे मेलाडोगाइनी को निमेटोड को भगाने के लिए या उसको मारने के लिए, तो उसका जीन एक्सप्रेशन बस रोक देना है हमको और कुछ नहीं करना है। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, अब आ गया बात एग्रोबैक्टीरियम का फिर से यूज किया, तो एग्रोबैक्टीरियम कौन सा प्लाज्मिड पड़े थे टी आई प्लाज्मिड, तो टी आई प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे प्लांट के लिए, सबसे बेस्ट प्लाज्मिड यही होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टी आई प्लाज्मिड, टी आई से क्या होगा टी से ट्यूमर आई से इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरिया में निमेटोड स्पेसिफिक के लिए हम क्या करेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को क्या करेंगे सॉरी एग्रोबैक्टीरियम टी आई प्लाज्मिड इस्तेमाल करेंगे, और निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो होगा वो उसको क्या काम करेंगे हम लगा लेंगे, कौन सा जीन लगा लेंगे निमेटोड स्पेसिफिक जीन। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो होगा वो इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट, तो अगर जैसे ये मान लो वेक्टर है इसमें क्या होगा जो जो तुम जीन ट्रांसफ़र कर रहे हो ये कैसा था निमेटोड स्पेसिफिक जीन, ये कैसा था निमेटोड को जो मार दे निमेटोड स्पेसिफिक जीन। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट द प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस, अब इस तरह से इसको किया गया कि ये एंटी सेंस भी भेजे और सेंस भी भेजे जिससे हमारा क्या हो जाए डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए और निमेटोड जो मर जाए होस्ट सेल। द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट आरएनए आई, तो ये पूछा जाता है कि बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट करता है वो क्या करते हैं आरएनए आई कि डबल स्ट्रैंडेड, तो यहाँ ये लाइन याद रखना डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनिशिएट आरएनए आई, जैसे डबल स्टैंडर्ड हुआ तो आरएनए आई हो गया आरएनए इंटरफेरेंस हो गया दस साइलेंट द स्पेसिफिक एम और जीन की क्या हो गई साइलेंसिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो जीन साइलेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा इससे ये बचा जा सकता है। देखो यहाँ फिगर में कितना अच्छा दिया हुआ है कि ये प्लांट होस्ट प्लांट जो डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेक्शन पहला जो है जिसमें आरएनए आई का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये आरएनए आई इसमें नहीं यूज किया गया, इसमें आरएनए आई यूज किया गया, तो देखो इसमें रूट नॉट कहीं बना ही नहीं है। और ये जो है ये ऐसा फिगर है जिसमें क्या होता है आरएनए आई इस्तेमाल है, तो यहाँ देखो रूट नॉट नहीं बना, यहाँ मार्क करके दिखाया गया। तो इस तरह से हम ये इस नोवल टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं अपने जो है ऑर्गेनिज्म को बचा सकते हैं और टोबैको की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही नोवल टेक्निक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। कंसिक्वेंट वेटिंग द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेशन स्पेसिफिक द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर इटसेल्फ प्रोड्यूस पैरासाइट, ये हो गया। अब आता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम मेडिकल में कैसे करते हैं मेडिकल साइंस में, तो होस्ट जेनेटिक ये तो हम पढ़ी लिया, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन तो मेडिकल में सबसे पहला इसमें ही आ जाता है इंसुलिन। अगर रिकमेंडेंट इंसुलिन की बात करें आरडीएनए इंसुलिन से रिकमेंडेंट डीएनए से जो इंसुलिन बनाया उसको कहते हैं ह्यूमिलिन, ये जो होगा ह्यूमन इंसुलिन जो होता है उसको ह्यूमिलिन कहते हैं रिकमेंडेंट डीएनए से बनाता है। अब पहले इसका इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है इंसुलिन और क्या इसका रोल है। तो इंसुलिन जानते हैं हमारे पैंक्रियाज में बीटा सेल जो होते हैं हमारे पैंक्रियाज में क्या होता है बीटा सेल से क्या निकलता है इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है जो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है किसमें ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन इंसुलिन चेंज करता है एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को किसमें चेंज करता है ग्लाइकोजन में, और ये स्टोर हो जाता है कहाँ स्टोर होता है तो ये स्टोर हो जाता है लीवर में और क्या मसल्स में, लीवर और किसमें मसल्स में ये क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब फिर जब जरूरत होगी तब ये ग्लूकोज में चेंज होगा वो दूसरा मैकेनिज्म है, पहले इंसुलिन का देखते हैं क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि धीमे 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 के बहुत से उसमें जो ये इंसुलिन जो बीटा सेल जो होता है इनएक्टिव होने लगते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन धीमे धीमे घटने लगता है, तो उस व्यक्ति को हमको इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है बाहर से। अब आता है कि इंसुलिन देना है तो इतना मतलब बहुत से पॉपुलेशन में जो होते हैं मोस्ट ऑफ द देखा गया कि मोस्ट फ्रिक्वेंट पाया जाने वाला ये जो है रोग है डायबिटीज़, जिससे अगर ये मान लो इंसुलिन धीमे धीमे खत्म हो जाएगा उसको क्या होगा डायबिटीज़ हो जाएगा।
तो उसको डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। दो तरह के डायबिटीज कौन कौन से होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलिटस। इंसिपिडिसन में यूरिनेशन बहुत होता है, एडीएच का हार्मोन की डिसबैलेंस से, और मिलिटस का होता है शुगर इंसुलिन की वजह से, मतलब कमी की वजह से। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये वाला था इंसुलिन की बात जो बता रहे हैं कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन बहुत से पॉपुलेशन है जिसको इंसुलिन चाहिए। अब ये है इनको 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 सबको इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन चाहने के लिए क्या हो रहा है कि हम बीटा सेल्स तो वर्क कर नहीं रहा है, तो हमको क्या कहें, और इंसुलिन जो है हम ओरली नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एक तरह का हार्मोन है, और ये जाएगा डाइजेशन में तो डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए हमको इंजेक्टली सीधे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है ना, तो ब्लड में ही जो जाएगा तभी तो सप्लाई होगा, तो इसलिए हम ओरली नहीं लेते इसको। उसके बाद क्या होता है कि जो जो ये इंसुलिन है इसको हमको लार्ज स्केल पे चाहिए। तो लार्ज स्केल के लिए शुरू शुरू में क्या होता था कि जो बड़े जो जैसे बहुत से मैमल्स होते, मवेशी होते थे, उनके बीटा सेल्स से इंसुलिन हम निकालते थे, और वो जो होता मार्केटिंग के लिए यूज करते थे। और लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये इम्यूनोजेनिक रिस्पांस है। मान लो कोई मवेशी से तुम इंसुलिन निकालें और ह्यूमन को इंजेक्ट कर दिए, तो इसमें कि एलर्जी हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होने लगती थी, कि जितना तो इंसुलिन डायबिटीज से बचा नहीं रहा था उससे ज़्यादा एलर्जी हो जा रही थी, इन्फेक्शन हो जा रहा था, इसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होने लगता था। तो इसलिए हुआ कि कुछ ऐसा बताया जो ह्यूमन का इंसुलिन ह्यूमन को ही यूज हो। तो अब एक ह्यूमन का इंसुलिन खुद ह्यूमन को कैसे दिया जाए, तो तब आती है तुम्हारा रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी की। याद करो कि जो जीन के, अगर मान लो जैसे अगर ये पेंक्रियाज है, देखो यहाँ पे ये देखो तुम्हारा ये पेंक्रियाज है। अब इसमें तुम्हारा ये है बीटा सेल, तो बीटा सेल में जो है बीटा सेल का जो जीन है, मान लो कोई ये जीन है जो इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन बनाता है, मान लो एक्स जीन है इंसुलिन बनाता है। इस जीन को हमको क्या काम करना है, इसको निकालने, इसकी बिलियन कापी बनाना है। तो हम क्या कर लेंगे इसका PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने दिया था? कैरी मुलिस ने। किसने दिया था? कैरी मुलिस ने, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो PCR हमने इसका कर दिया, तो इसकी मल्टीपल कॉपी बन गई। अब इस जीन का एक्सप्रेशन चाहिए हमको, तो इस जीन को एक्सप्रेशन करने के लिए हम क्या कर दें, इस जीन को किसी प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दें। तो जो ये वाला जो जीन था प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिए, ये वाला जीन था वो थोड़ा था इंसुलिन आई जीन मान लो था, ये प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिए, उसके बाद किसी होस्ट में इंसर्ट कर दो, ये होस्ट डिवाइड करेगा, इसकी कॉपी बनेगी, और इससे जो इंसुलिन होगा आई जीन का जो एक्सप्रेशन होगा आई जीन का, वो क्या होगा इस लिक्विड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इससे हम निकाल के किसी भी मतलब मार्केटिंग में हम जैसे जेनेटिव डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग से हम क्या करते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात समझने वाली बात है, इसमें इम्यूनोजेनिक रिस्पांस होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन से ही नहीं इसको निकाला गया है बीटा सेल, उसी की बीटा सेल को हम ट्रांसजेनिक बना के और उसके प्रोडक्ट को लेते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो इस तरह से जो हम लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन को, आज के डेट में फार्मास्यूटिकल में ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अगर ये पॉसिबल ना हो तो बहुत मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटीज़ की वजह से मर जाती है, क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं हो पाती। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, इंसुलिन जो ह्यूमन से जीन को एक्सप्रेस किए और PCR से मल्टीपल बहुत सारी उसकी कॉपी बना के रख लिए। अब जैसे कि एक जीन है, मान लो एक जीन ह्यूमन इंसुलिन का निकाले बीटा सेल से ह्यूमन से, अब मान लो तुम्हें चाहिए कि 3 बिलियन जीन चाहिए। अब तुम उसी एक जीन का इस्तेमाल करके PCR करके मल्टीपल कॉपी बना के रख लो, अब बार बार किसी का क्यों लेने जाओगे, एक ही जीन से काम तुम्हारा हो गया, 10 जीन से भी काम हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हम बचा सकते हैं कि इतनी जो सप्लाई की डिमांड थी उसको हम पूरा कर पाए, नहीं तो क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो अब देखो ऐसे ही बहुत से जो होते हैं फार्मास्यूटिकल जो आज के प्रोडक्ट है उसका हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल किए हैं, और हम लोग ये देखे हैं कि ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्मास्यूटिकल्स का जो होता है कि मार्केट में मतलब अवेलेबल है, जो कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं ये, कि हेल्थ केयर इनेबलिंग टू मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ मोर इफेक्टिव थेरेपिक ड्रग्स, फॉर द मोर रिकमेंडेड थेरेपिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो अगर रिकमेंडेड होगा तो सेम सोर्स से लेंगे, तो सेम सोर्स वाला का अगर जीन उसी को, जैसे किसी को मान लो कोई जीन खराब हो गया है, उस जीन का अगर एक्सप्रेशन बाहर से जेनेटिकली करके हम दें तो कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को गड़बड़ी नहीं है। कॉमन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड बाय नॉन ह्यूमन सोर्स से निकालने पर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता था। एज अबाउट 30 रिकमेंडेड थेरेपीज हैज बीन अप्रूव्ड हो चुके हैं 30 ठो, और ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर और ह्यूमन के लिए यूज किए जाते हैं। इंडिया 12 ऐसे हैं जो कि मार्केटेड हैं इस समय। तो उसमें एक और है जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन है, जिसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमलिन कहते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन इंसुलिन कैसे जेनेटिकली इंजीनियर किया गया, जो अभी कहानी बताए हैं वो उसी पे बेस्ड है।
तो पहले एक चीज़ तो बात यहाँ समझ लो कि ह्यूमन इंसुलिन बनाने से पहले पहले ये देख लो कि इंसुलिन होता क्या है। तो देखो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीपेप्टाइड का हार्मोन होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो इसमें तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ये हो तुम्हारा है ये ए, और दूसरा ये है तुम्हारा बी, और ये तुम्हारा सेक्शन है सी। तो जो ये जो होता है, जैसे उसमें था प्रोफार्म में, टॉक्सिन प्रोफार्म में था, वैसे ये भी प्रोफार्म में रहता है। बाद में ये किस फार्म में होता है, एक्टिव फार्म में। कब, जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, जब मेच्योर होता है। तो पूछा जाए कि इनएक्टिव फार्म ऑफ इंसुलिन इंक्लूडेड, तो कौन से पॉलीपेप्टाइड, ए भी बी भी सी भी, ये कौन से होते हैं, इमेच्योर इंसुलिन। अगर पूछे कि मेच्योर इंसुलिन में कौन कौन होते हैं, तो कहोगे केवल ए एंड बी, नॉट सी, सी नहीं होगा। तो ये जो होता है एक्टिव फॉर्म में आ गया, और जो प्रो फॉर्म में था एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब इसको जो होता है कि जो दो पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ, एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे है, तो ये ए है ए बी है, ये दोनों जुड़े किससे हो, तो डाइसल्फाइड बांड से। किससे जुड़ेंगे, डाइसल्फाइड बांड से। तो इंसुलिन में जो सी पॉलीपेप्टाइड, नई इंसुलिन ऐड किया जाता है, जो मेच्योर इंसुलिन होता है, और जबकि प्रो में ये होता है। इसी को हमको बनाना है, क्या इसका रिकम्बिनेंट बनाना है सेम सोर्स है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम ये कह रहे हैं कि दो पॉलीपेप्टाइड है, एक ये पॉलीपेप्टाइड ए है और दूसरा बी है, इन दोनों को बनाना है हमको। तो जो ए बी पॉलीपेप्टाइड है, इसको जब बनाना है, तो हम ये देखेंगे ए पॉलीपेप्टाइड है, दूसरा ये बी पॉलीपेप्टाइड है। तो ये मान लो कोई जीन होगा, ये कोई एक जीन होगा ए, तो इससे ये बना होगा। ये कोई जीन होगा मान लो बी, तो इससे ये बना होगा। तो ये दोनों अलग अलग बने होंगे ना, और लेकिन फिर फाइनली जब प्रोसेस कराना है, तो दोनों को डाइसल्फाइड बांड से जोड़ देना है। इसका ये मतलब हुआ है कि ये बड़ा कठिन काम है, कि दोनों की सिंथेसिस तो अलग अलग होगी पॉलीपेप्टाइड की, लेकिन जब फाइनली मेच्योर कराना होगा, तो दोनों को डाइसल्फाइड बांड से कराना होगा। अब ये बताओ कि अगर मान लो जो जेनेटिक इंजीनियर बनाने हैं, तो उसमें सी की तो कोई ज़रूरत नहीं, नेचुरली ये है ना सी, सी की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दो डीएनए सीक्वेंस को लो, जो ए पॉलीपेप्टाइड बना दे, दूसरा बी पॉलीपेप्टाइड बना दे, उसी को अगर प्रोसेस करा के अगर हम डाइसल्फाइड बांड बना दें, तो बेस्ट है। ये क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए से हमारा बन गया, और क्या हो, डाइसल्फाइड बांड कर दिया। ये जो इंसुलिन था, ये इंसर्ट किया गया था, जो रिकम्बिनेंट है, ई कोलाई में, शिरिया कोलाई में, ये क्या किया गया था, ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया गया था। इस तरह से मिला हमको। अब इसका एक डायग्राम देख सकते हो, पिक्चर, कि कैसे ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया, दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले ह्यूमन पेंक्रियास सेल से हमने क्या लिया, पेंक्रियास से लिया डीएनए, वो कौन सा, बीटा सेल से लिया होगा। बीटा सेल से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ले लिया। अब यहाँ से क्या, प्लाज बैक्टीरियम ले लिया, उसका प्लाज्मिड डीएनए ले लिया, कट किया, वो जीन इंसर्ट किया, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया, आरडीएनए बन गया। अब आरडीएनए जब बन गया, तो फिर उसको क्या कर दिया, किसी रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया जननी कौन सी थी, ईकोलाई, ईकोलाई में हमने इंसर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अब इसकी कॉपी बन रही है, फर्मेंटेड टैग, जिसको क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर में डालने, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कर दिए, यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कर दिए, और ये क्या बन गया, ह्यूमलिन बन गया। देखिए ह्यूमन इंसुलिन मार्केटिंग में लगा दिया। तो ये है पूरा प्रोसेस कि कैसे हम ह्यूमन इंसुलिन को बनाते हैं। अब इस एनसीईआरटी में देखो क्या कह रहे हैं, वही बातें हैं जो समझाएंगे। हाँ ये देखो कह रहे हैं कि इंसुलिन यूज इन डायबिटिक अर्ली स्टेज पेंक्रियाज स्लाटर, पहले कैटल वगैरह से यूज किया जाता, जो बताते मवेशी वगैरह से, पेशेंट एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती थी फॉरिन इंसुलिन से। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी डेट लिंक टूगेदर डाइसल्फाइड बैंड इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज बाय प्रो हार्मोन, जैसे कि प्रो इंजाइम होते हैं, प्रो हार्मोन भी होता है, तो उनको भी प्रोसेसिंग के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए होता है। दिस सी पल्पेट नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर फॉर्म नहीं होता, रिमूव ड्यूरिंग मेच्योरेशन ऑफ इंसुलिन द मेन चैलेंज द प्रोड्यूसिंग रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग द सोसे। देखो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ए और बी तो अलग अलग बन जाता था, लेकिन ए बी, जैसे मान लो ए जीन किसी एक ई कोलाई में डाले, दूसरा एक ए में डाले, तो ए बी को फिर प्योरीफाई किया, दोनों को फिर डाइसल्फाइड बांड से जोड़ना भी है, ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो जोड़ने वाली भी बहुत टेक्निक थी, फाइनली असेंबल कर लिए उन्होंने डाइसल्फाइड बांड से। इस कंपनी का नाम पूछा, 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थे, प्रिपेयर किया था, ये दोनों सिक्वेंसेस को जोड़ने में मदद किया था, और ये पा गए थे देम प्लाज्मिड ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करके इंसुलिन चेन। द चेन ए बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्ट कंबाइन क्रिएटेड, पहले सेपरेटली ये सब ए बी किए, बाद में जोड़ दिए गए डाइसल्फाइड बांड से, और इस तरह से हमको मिल गया। तो कुल मिला जुला के हमने ये पढ़ा कि जो 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 इंसुलिन बनाना है, ह्यूमन इंसुलिन, उसका सोर्स जो होता है वो ह्यूमन का जीन ही होगा। ह्यूमन के जीन वो क्या हो सकता है, तो ह्यूमन का
जीन में क्या ले सकते हो, ह्यूमन जीन का बीटा सेल से ले सकते हो। बीटा सेल से जो इंसुलिन होगा वो होगा इम्यूनोजेनिक रिस्पांस नहीं शो करेगा। और दूसरा अगर कोई भी जैसे स्लाटर से इन सब से अगर तुम लोगे तो वो क्या करेगा, इम्यूनोजेनिक रिस्पांस शुरू करेगा। तो आज हम लोग पूरा समराइज कर लेते क्या क्या पढ़े हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन में। तो एक तरह से शुरू करते हैं, पहले सबसे पहला हम लोगों ने क्या काम किया। अब देखो एक एक क्वेश्चन ये भी कर लो पहले, बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस्ड इन किस में एक्सप्रेस होता है, बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंजाई में, प्लांट्स में। तो ये बताओ कि इसके इसके लिए क्या होगा, ये एक्सप्रेस होगा, ये जो होगा किस में एक्सप्रेस होता है, तो बैक्टीरिया तो बनाता है तो ये वहाँ एक्सप्रेस नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में रहता तो ये नहीं होगा। प्लांट इसका आंसर सही होगा क्योंकि प्लांट में ही जीन एक्सप्रेस करेगा तभी ना वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो होगा वो करेगा। इसका सिंपल से एग्जांपल ये है, एनसीईआरटी की ही लाइन से ये बना होगा, हैज बीन क्लोन इन बैक्टीरिया, देखो हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट, ये है एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस। ये यही वाली बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर्म में आया गया। तो ये है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले अब शुरू से कि कैसे कैसे आज समराइज करते हैं कि जो आज हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले क्या है पढ़ा हम लोगों ने, पहले चैप्टर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसका पढ़ा था हम लोगों ने क्या, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन पढ़ा है तो इस वाले चैप्टर में, ये 11th था ये 12th था, इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि कैसे जो बायोटेक्नोलॉजी का हम एप्लीकेशन करते हैं, तो तीन फॉर्म में कहा, इन्होंने कहा कि जो कैटलिस्ट की तरह यूज हो, चाहे ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो, और उसको क्या करते हैं एक इंजीनियरिंग करके अच्छे से इंजीनियरिंग मेंटेन कंडीशन दें, मेंटेन कंडीशन दे ताकि क्या जो जीन कैटलिस्ट के रूप में जो एंजाइम है उसके एक्सप्रेशन हो सके। तीसरा क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग कर दें, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर दें। तो ये तीन किए। अब ये पूछे कि आरडीएनए का इस्तेमाल जो होता है किस किस में करते हैं, तो हम एग्रीकल्चर बेस्ड करते हैं। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड में हम पढ़े रिकम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल, तो इसके लिए बताने से पहले हम लोगों को था कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है पहला, दूसरा क्या होता है एग्रोकेमिकल बेस्ड होते हैं, और तीसरा जो होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जेनेटिकली चेंज कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मैन्योर यूज करते थे, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वाइल्ड टाइप का था, बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें ज़्यादा थी। एग्रोकेमिकल में फर्टिलाइजर यूज करते थे, दूसरा क्या करते थे पेस्टिसाइड यूज करते थे, तो ये एक तरह का बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस करता था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसकी जेनेटिक मेकअप को चेंज करके हम क्या करते थे, जो इस पर डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजर इस पर कम किया जा सकता था। तो ये बात बताया गया था, इसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन दिया गया था, एम एस स्वामीनाथन इंडियन फादर हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, एनी बोरलॉग जब है इंटरनेशनल है फादर ग्रीन रिवोल्यूशन के। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे जो होता है ये बायो फोर्टिफिकेशन, क्या क्या जो है प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी या रिकमेंड डीएनए से। तो हम क्या करते हैं, साल्ट टॉलरेंस, साल्ट ड्रॉट ड्रॉट और ETC, ये सब क्या है हीट टॉलरेंस प्लांट बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल में गोल्डन राइस था तुम्हारा, गोल्डन राइस जो कि क्या था विटामिन ए रिच था। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो होता है रिलायंस जो होता है रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड पे कम कर सकते हैं, जो विश्वास पेस्टिसाइड पे वो उसको हम घटा सकते हैं। जैसे क्या BT कॉटन अगर हम इस्तेमाल करें तो पेस्टिसाइड की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या है, जो प्लांट होता है प्लांट की जो होते हैं इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, प्लांट्स की क्या कहते हैं इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, जो मिनरल्स को यूटिलाइज करने की, मिनरल्स के यूटिलाइज करने की। तो ये सब ETC ये सब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के पाए जाते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा BT कॉटन, BT कॉटन के बारे में क्या पढ़ा था, बी फॉर बैसिलस टी फॉर थ्रेनजेंसिस। BT कॉटन ये एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म होता है, जब इसको एल्कलाइन pH मिलता है तो वो क्या करता है ये एक्टिव फॉर्म हो जाता है, इंटेस्टाइनल मीड गट में जाके इंटेस्टाइनल फोर क्रिएट कर देता है, उससे क्या हो जाता है इंसेक्ट मर जाता है।
बीटी जो होता है इसमें कई तरह के जीन होते हैं, हमेशा वो स्पेसिफिक जीन को ही हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन ही जो होता है किसी दूसरे में इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किल करने के लिए, तो हम उसी तरह कर लेंगे इसमें कई। और ये हमेशा याद रखना है कि बीटी जीन हमेशा किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही किल करता है, ना कि सभी को। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किया है कि बीटी पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ा आरएनए, आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये क्या था कि जैसे सिंगल डीएनए है कोई, मान लो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इसको कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन होगा। अगर इसी पे हम इसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए लगा दें और ये बन जाए डबल स्टैंडर्ड, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, इसको कहेंगे आरएनए में इंटरफेरेंस हो गया, रुक गया, या फिर इसको कहेंगे जीन जो का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, जीन साइलेंट हो गया। तो इसको हमने किया था मेलेडोगाइनी, एक निमेटोड होता है जिसको मेलेडोगाइन कॉगिसिया, जो रूट नॉट डिजीज काज करता है। इसके अलावा जो होता है हम लोगों ने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कैसे किया था, सॉरी मेडिकल में कैसे इस्तेमाल किया था। मेडिकल में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या, ह्यूमन इंसुलिन बनाए थे। ह्यूमन इंसुलिन में हम क्या किए थे, ह्यूमन इंसुलिन में क्या कहते हैं, ह्यूमन ह्यूमन इंसुलिन क्या था कि ह्यूमलिन बनाए थे। वो कैसे था, तो दो पॉलीपेप्टाइड थे ए और बी, दोनों को ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिए दोनों जीन को, बीटा सेल्स पैंक्रियाज के लेके, और उनको डाइसल्फाइड बार से जोड़ के हम क्या कर दिए, रिकमेंडेंट वो प्रोटीन बना लिए और ह्यूमन इंसुलिन हो गया। ये इसलिए ऐसा सक्सेसफुल हुआ कि जो क्या कहते हैं आपका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो होता था, अगर हम कहीं और से इंसुलिन लाते थे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आज इतना हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अच्छा, डायग्नोसिस में कैसे यूज करते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का ये पूरा चैप्टर है, कल ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इसमें कोई डाउट होगा तो फिर बताना आप लोग, ठीक है, थैंक यू।